सभी विद्यार्थी एवं गुरुजनों एवं हमारे यहाँ आए मेहमानों को सच्चे दिल से मैं आमंत्रण कर धन्यवाद देना चाहता हूँ जो अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए। आज मैं बात करने जा रहा हूँ रक्षाबंधन के ऊपर। रक्षाबंधन वह पावन त्यौहार है जो भाई बहन के प्यार को दर्शाता है। रक्षाबंधन वह पावन त्यौहार है जो भाई बहन के प्यार को दर्शाता है। जी हाँ बहनों और भाइयों, रक्षाबंधन ही ये एकमात्र ऐसा त्यौहार है जो हमारे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह पूरे भारतवर्ष में बड़े ही पुराने समय से मनाया जा रहा है। एक समय की बात है जब प्रभु श्री कृष्ण युद्ध के दौरान उनकी उंगली घायल हो गई थी, तब माता द्रौपदी ने अपनी साड़ी का चीर उनके उंगली पर बांधा था। तभी से यह त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और प्रभु श्री कृष्ण ने अपना कर्ज चुकाने के लिए माता द्रौपदी के चीर रण के समय पर उनकी रक्षा की थी। तभी से यह त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह त्यौहार पूरे भारत में बड़े ही प्रेम से मनाया जाता है एवं इस पावन अवसर पर सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं एवं भाई भी अपनी बहनों को सारी जिंदगी उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। मैं दो लाइन्स कहना चाहूँगा अपनी प्यारी सिस्टरों के लिए